26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनाई गई धूमधाम से राष्ट्रीय पर्व। जी हाँ नमस्कार, भी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। खबर रोहतास जिला के नोखा से है, जहां पर नोखा गुरुकुल एकेडमी स्कूल के प्रधान अध्यापक मुन्ना कुमार के द्वारा स्कूल परिसर में झंडा तोलन किया गया। वही 26 जनवरी के अवसर पर धूमधाम से गणतंत्र दिवस के रूप में छात्र छात्राओं के बीच झंडा फहराकर स्कूली बच्चों भी मौजूद रहे। साथ ही रोहतास के उर्दू मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा भी झंडा तोलन किया गया। वही उपस्थित जदयू नेता आफताब आलम ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 26 जनवरी के अवसर पर आज वो इतिहास याद आता है कि 1857 का जो सिपाही का आंदोलन था, उसमें जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने दिल्ली के जमीन से गिरफ्तार किया और उनके बेटों के तो बर्मा रंगून ले गया, जेल में कैद में रखा। जब खाना के तौर पर कैदी को जो दिया जाता है, वो जब दिया गया तो बहादुर शाह जफर जब रुमाल से थाली से रुमाल को जब हटाते हैं तो अपने बेटे का सर देखते हैं और यही कहते हैं कि हिंदुस्तान के बेटे अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करता है। तो एक अंग्रेज उर्दू पढ़ा लिखा तंज किया कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो इन्होंने वो जवाब दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी पेक हिंदुस्तान की। आज देश को वो इतिहास याद करना चाहिए और भारत का जो यह त्यौहार है सभी को मनाना चाहिए। बस इसी के साथ अपनी बातों को नाम नाम MD आफ्ताब आलम, वार्ड नंबर 12 मधुमनीषा का मैं पति हूँ। हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत देश आज़ाद देश में झंडा फहराने का एक अलग ही महत्व होता है, हमें इस बात की बहुत खुशी है। नाम सर मोहम्मद इशराउल भट्ट, उर्दू कन्या प्राथमिक विद्यालय नोखा।